शांति। परमपिता परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को अपना वर्षा, ईश्वरीय वर्षा सात गुणों के रूप में देते हैं। परमात्मा के पास सात गुण, सात विशेषताएं हैं जिस पर हर आत्मा को अधिकार है, परंतु ले वो अपने पुरुषार्थ के अनुसार सकती है। परमात्मा को कहा जाता है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हाँ। परमात्मा एक प्यार का सागर है, सारे संसार को प्यार देने वाला है और सब उसकी प्यार की प्यासे हैं। सबको प्यार चाहिए, ट्रू लव, सच्चा प्यार सिवाय परम पिता परम आत्मा की और कोई कर भी नहीं सकता। अब ये प्रेम होता क्या है? हर आत्मा को चाहिए, हर आत्मा चाहती है। कि मुझे प्रेम करे, सब चाहते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा पति प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी प्यार नहीं करती, मेरी माँ प्यार नहीं करती, मेरे भाई प्यार नहीं करते, कोई मुझे प्यार नहीं। प्यार के अभाव में डॉक्टर्स कहते हैं हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इस प्यार को पाने के लिए अनेक यत्न, अनेक कोशिशें की जाती हैं। सबसे पहली बात आज जो विचार करने वाली है कि परमात्मा प्रेम का सागर है, तो प्रेम क्या करता है वो? हम आत्माओं से क्या प्यार करता है? प्रेम का अर्थ यहां पर है कि सर्व का कल्याण करता है। ऐसी युक्तियां बताता है जिस पर चलकर उनका कल्याण होता है, उनके चरित्र का उत्थान होता है, उसमें सुधार आता है। परम आत्मा सुधार करने में, चढ़ती कला करने में मार्गदर्शक का काम करता है, जो और कोई कर ही नहीं सकता। माता पिता गुरु टीचर अपनी योग्यता के अनुसार सबको चढ़ती कला में सुधार लाने में सहयोगी बनते हैं, इसलिए माँ प्यार करती है बच्चे से, पिता प्यार करता है बच्चे से, जो होता है वो उनको देते हैं ताकि उनमें सुधार आ सके। प्यार का मतलब है कहना मान, प्यार का मतलब देना
प्यार का मतलब कहना मत, प्यार लेने की चीज नहीं है। प्रीत बनी है मर जाने के लिए, प्रीत का मतलब प्रेम का मतलब देना, प्रेम का मतलब कहना मानना, प्रेम का मतलब उसके जीवन में सुधार लाना। ये परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के प्रति प्यार है जो हमें आकर नरक से स्वर्ग के लायक बनाते। माता पिता का प्यार है कि वो हमें जीवन जीने लायक बनाते। टीचर का प्यार है कि उसके पास जो खजाना है वो देने का काम करते। प्यार है तो देता है। प्यार माना देना, और वो देना जिससे सामने वाले का भला हो, जिसको दिया जा रहा है उसका भला हो, उसके जीवन में खुशी आए, उसके जीवन में शांति आए, उसके जीवन में आनंद आए। उसे जो चाहिए वो दिया जाए, परंतु जो चाहिए जो दिया जाए, जो कहे वो किया जाए, परंतु साथ में लगा हुआ है मर्यादा को तोड़कर, क्योंकि मर्यादा को तोड़ा गया तो दुख देना पड़ेगा। परमात्म डायरेक्शन मर्यादाओं से अलग यदि हम प्यार देते हैं, कहना मानते हैं, जहां हमने मर्यादा तोड़ी वहां दुख जुड़ जाएगा। हमने कहना तो माना, उसका क्षणिक सुख तो उसको मिला, जो उसको चाहिए था वो मिला, परंतु वो मर्यादा अनुसार ठीक नहीं था। वो सुख की बजाय दुख का कारण। तो परमपिता परमात्मा एक सारे संसार की आत्माओं को सत्य मार्ग दिखाकर नरक से स्वर्ग के लायक बनाते। बनने का पुरुषार्थ तो आत्मा को करना है, परमात्मा केवल और केवल रास्ता दिखाता है। परमात्मा यदि प्यार ऐसे देने लगे तो सबको बराबर देना पड़े, इसलिए देने की बजाय कहते मैं दे तो सारा रहा हूं, लो आप जितना ले सकते। तो परमात्मा रूहानी प्यार का सागर है, और वो प्यार आत्मा को चाहिए, शरीर को नहीं। शरीर के प्यार को प्यार नहीं कहा जाता, शरीर का प्यार विकृत हो जाता है, विकार में कहा जाता है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना, सच्चा प्यार परमात्मा करते
सत्य मार्ग दिखाकर, और अब हमने सच्चा प्यार करना है सबको सत्य मार्ग दिखाकर। सच्चा रूहानी प्यार ही है किसी भी आत्मा को सच्चे प्यार की खान से मिला देना। यही हम आत्माओं का भी सच्चा प्यार है। परमात्मा से मिलाना, हम परमात्मा से मिले, अब वो भी मिले, हमने अपना लेना है, उसने अपना। हर आत्मा ने लेना अपने पुरुषार्थ के अनुसार है, ये बात स्मृति में रहे। सच्चा प्यार माना सत मार्ग पर ले चलना। बहुत सिंपल सी, इसी में ही चढ़ती कला है, इसी में ही भला है। और अच्छी तरह समझने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र। आपका प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप। ओम शांति।